चॉकलेट वाला लड़का। एक लड़का था जिसका नाम अतुल था। वह बहुत समझदार था। उसे चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। जब भी वह अच्छा काम करता तो उसकी मम्मी उसे चॉकलेट जरूर देती थी। जिस दिन वह शरारत करता या स्कूल का काम नहीं करता तो उसकी मम्मी उसे चॉकलेट नहीं देती थी। एक दिन जब उसकी मम्मी ने उसे चॉकलेट दी तो उसने और चॉकलेट लेने की जिद की। अतुल ढेर सारी चॉकलेट एक साथ खाना चाहता था क्योंकि वह बहुत जिद्दी हो गया था। उसकी मम्मी ने उसे समझाया, नहीं बेटे, एक साथ कई चॉकलेट खाने से पेट में दर्द होने लगेगा। डॉक्टर सुई लगाएगा, कड़वी दवा पीने को देगा। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। यह सुनकर अतुल चुप हो गया, पर उसने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसकी मम्मी बाजार गई हुई थी। अतुल घर पर अकेला ही था। उसने जल्दी से फ्रिज में से चॉकलेट का डब्बा निकाला और सारी चॉकलेट खा ली, क्योंकि उस दिन घर पर कोई और नहीं था। दूसरे दिन अतुल बीमार पड़ गया। उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उसकी मम्मी उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। तब डॉक्टर साहब ने बड़ी सी सुई लगा दी और कड़वी दवा भी पीने के लिए दे दी। जब अतुल की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या खा लिया था जिससे तुम्हारे पेट में इतना ज्यादा दर्द होने लगा।